नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, झारखंड में साइमन कमीशन, जी हां, आज हम आपको झारखंड में साइमन कमीशन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएं। चलिए, तो झारखंड में साइमन कमीशन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं साइमन कमीशन था क्या और वह भारत किस उद्देश्य से आया था, और भारत आया तो सबसे पहले कहाँ आया, है ना, और उसके बाद हम झारखंड पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखिए साइमन कमीशन जो था, यह साइमन आयोग जो था, सात ब्रिटिश सांसदों का समूह था। क्या था? सात ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। समझ रहे बात को, है ना? साइमन कमीशन जो था, साइमन आयोग जो था, वह सात ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। और इसका मुख्य कार्य क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया। जी हाँ, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में। जी हाँ, तो एक सवाल तो यहीं से आपका बन जाता है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 में आया। और हम आपको बतला देना चाहते हैं, साइमन कमीशन जो सबसे पहले भारत आया था तो पहुंचा था बंबई। कहाँ पहुंचा था? बंबई। सबसे पहले साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल कि आखिरकार इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा गया, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग, इस कमीशन का गठन किया गया था, इसी कारण इसका जो है नाम साइमन कमीशन रखा गया, है ना। साइमन कमीशन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, इसी के कारण जो इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। जी हाँ, और आगे प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन का औपचारिक नाम क्या था। देखिए अभी एक सवाल आता है, तो आपको हम बतला देना चाहते हैं कि साइमन कमीशन का औपचारिक नाम भारतीय संवैधानिक आयोग था, है ना। साइमन कमीशन का औपचारिक नाम क्या था? भारतीय संवैधानिक आयोग। जी हाँ, अब बात आता है कि साइमन कमीशन का भारत में इतना ज़्यादा विरोध क्यों किया गया, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, साइमन कमीशन का भारत में इतना ज़्यादा विरोध यानी भरपूर मात्रा में जो विरोध किया गया, उसका कारण था कि इस कमीशन, इस आयोग में कोई भारतीय नेता नहीं था, है ना। सातों का सातों ब्रिटिश सांसद थे, है ना, इसमें कोई भारतीय नेता नहीं थे, इसलिए पूरे भारतवर्ष में जो है साइमन कमीशन का भरपूर मात्रा में विरोध किया गया जोर शोर से, तथा साइमन गोबैक का नारा दिया गया। जी हाँ, साइमन कमीशन का भारत में विरोध करने का प्रमुख कारण क्या था? कि इसमें कोई भारतीय नेता नहीं थे, है ना, सातों का सातों ब्रिटिश सांसद थे, इसलिए पूरे भारत में जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गोबैक का नारा दिया गया। अब देखिए एक सवाल आता है, है ना, कि साइमन गोबैक का नारा किसने गढ़ा था, है ना। तो साइमन गोबैक का नारा जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। एक बात हम और यहां आपको बतला देना चाहते हैं कि भारत छोड़ो का जो नारा है वह भी यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही गढ़ा गया था, लेकिन दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन गढ़ा या लिखा किसके द्वारा गया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, साइमन गोबैक का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। जी हां, अब देखिए एक सवाल यहां से बनता है और पूछा जाता है कि साइमन कमीशन यानी इस आयोग में जो है, इस आयोग के विरोध के दौरान जो है भारत में किस भारतीय नेता का निधन हो गया था? जी हाँ, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है, है ना, विरोध के दौरान जो है लाहौर में 31 अक्टूबर 1928 को जो है, क्या बोले, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है लाहौर में 31 अक्टूबर 1928 को पुलिस के द्वारा जो है निर्लज्जतापूर्वक, है ना, यानी बेखौफ होकर के जो है ना भारतीय नेताओं पर लाठी बरसाई गई, और उसी दौरान जो है ना भारतीय नेता लाला लाजपत राय को लाठी से उनके छाती पर मारा गया, सिर पर मारा गया,
इसी चोट के कारण जो है 17 दिन बाद यानी 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी चोट के कारण पुलिस के द्वारा निर्लज्जतापूर्वक जो है लाठी चार्ज किया गया, उसी से जो है चोटी होकर के 17 दिन बाद 31 अक्टूबर 1928 को लाठी चलाया गया। 17 दिन बाद यानी 17 नवंबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, यह था साइमन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण बात जिसको हमने पहले आपको क्लियर करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं साइमन कमीशन इन झारखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? वर्ष 1928 में आया था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा, किस वर्ष हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928। जी हाँ, हजारीबाग में देवकी नंदनलाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में जो है लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा, हजारीबाग में निम्न में से किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? अभी हमने बोला देवकी नंदनलाल एवं पीसी मित्रा, है ना, तो आपका उत्तर ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या चार, झारखंड में किस स्थान पर प्रमुखता साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? है ना, तो उत्तर हो जाएगा आपका रांची। कहाँ? रांची। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या पांचवा, रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा एस के सहाय यानी श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में। जी हाँ, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में जो है रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। जी हाँ, आगे आइए, प्रश्न संख्या छः, रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले कोहड़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? जी हाँ, कोहड़ा पांडे जो हैं वह पलामू के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पलामू के निवासी थे, है ना, जिन्होंने रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या सातवा, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? तो अभी हमने चर्चा किया कोहड़ा पांडे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या आठवा, किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को एक प्रस्ताव पत्र दिया गया, है ना, तो उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 ईस्वी में। प्रश्न संख्या नौ, झारखंड के किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को साभार पत्र दिया गया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा आदिवासी महासभा। क्या हो जाएगा? आदिवासी महासभा, ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आपका साइमन कमीशन झारखंड से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने क्लियर करवा दिया। पहले आपको साइमन कमीशन के बारे में हमने समझाया, उसके बाद झारखंड से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं साइमन कमीशन से हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर आसानी से कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।